अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त उम्मत चैरिटी इंटरनेशनल की टीम होस्ट बख्श बोर्ड में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। इसका फर्श डल चुका है, दरवाजे लग चुके हैं, छत डल चुकी है। और यहां के लोगों से जब हमारी बात हुई तो यहां आसपास कम से कम 30 से 35 गोट हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और इस मस्जिद में तकरीबन 280-300 लोग नमाज पढ़ सकते हैं कंप्लीट होने के बाद। गांव वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, और यहां का बेस्ट पॉइंट ये है कि मोटरवे से भी काफ़ी सारे लोग नीचे उतर के यहां नमाज पढ़ने आते हैं। मुफ्ती साहब हमारे लिए लंदन से आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है और हम उसको वेलकम कहते हैं दिल से। बहुत शुक्रिया। और जो ये देख रहे हैं सामने मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह, इतनी तो कितनी मस्जिदें हैं जो माशाल्लाह भाई साहब ने बनाई हैं, सर ने ऐसी माशाल्लाह मस्जिद बना के दी है कि हम इसके लायक ही नहीं थे, गरीब आदमी थे, बहुत गरीब सर, कि हम वाशरूम नहीं बना सकते थे। इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी और शुक्रगुजार रहेंगे ज़िंदगी भर तक, कि हमारे बच्चे भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत बरकत। कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मस्जिदों को वही तामीर करता है, वही आबाद करता है जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है। तो मस्जिद जहाँ मुसलमान जहाँ भी जाता है वो पहले मस्जिद बनाता है और मस्जिद को आबाद रखता है। तो अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और हम सबको तौफीक दे, और जो हजरात हमारे साथ तआवुन करते हैं अल्लाह उनको भी बरकत दे। भाई उनके तआवुन के बगैर से ये हो नहीं सकता ना, ये मुमकिन नहीं है, और हम तो सबब हैं, अल्लाह ने हमें सबब बनाया, लेकिन असल तो हमारे वो हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया, उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सब हजरात को जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला आप हजरात की इस मस्जिद को आबाद करे, आप हजरात को आबाद करे, अल्लाह ताला आप हजरात को बरकत अता फरमाए।